जय श्री केदार। दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन स्टोरी चैनल पर। बहुत ही बुरी खबर आज केदारनाथ धाम से आई है। जी हां, केदारनाथ धाम को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। केदारनाथ के आसपास जितनी दुकानें हैं, जितने होटल हैं, जितनी खाने पीने की दुकानें हैं, सभी पर ताला लगा दिया गया है। अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं आज के इस आंदोलन के बारे में, क्यों केदारनाथ को बंद किया गया है और किस तरह की समस्या इस समय यात्रियों को यहां झेलनी पड़ रही है, कितना जो है बुरा असर इस आंदोलन का इस यात्रा पर देखा गया है। तो मैं पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा संबंधित कोई भी बुकिंग कराना चाहते हैं या हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराना चाहते हैं या पैकेज लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क करके आप ये सारी जो फैसिलिटीज हैं यहाँ बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत ही बुरी खबर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। केदारनाथ में 2 दिन के लिए एक आंदोलन जारी किया गया है, जिसके तहत सारी दुकानें बंद रखी जाएंगी। कोई भी जो है खाने पीने की दुकान या रुकने के लिए आपको यहाँ व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समय यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने शुरू कर दिया है, जिसके कारण ताले लगा दिए गए हैं सभी दुकानों पे। आज 16 सितंबर और कल 17 सितंबर, ये 2 दिन तक ये आंदोलन चलने वाला है। पूर्णतः सारे जो होटल हैं वो बंद रहने वाले हैं। किसी भी तरह की व्यवस्था आपको यहाँ रुकने के लिए यात्रियों को नहीं दी जाएगी। तो इतना बड़ा आंदोलन यहाँ जो है यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने शुरू कर दिया गया है। ये क्यों हुआ है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये आज से नहीं, ये संघर्ष 2013 की आपदा के बाद से चल रहा है। यहाँ जो मकाने थी, दुकानें थी, मंदिर को जो चारों तरफ से घेर रखा था, तो वो जो सारे यहाँ के अधिकार थे वो यहाँ के लोकल लोगों के थे। तो आपदा जैसे ही आई तो यहाँ जो है सारे मकान और यहाँ दुकानें जो थी वो अपने साथ वो आपदा लेके नीचे चली गई, जिसकी वजह से यहाँ निर्माण कर पाना यहाँ के लोकल लोगों के जो है क्षमता से बाहर था। तो इसी के लिए आश्रय था इन लोगों को कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का प्रशासन है, इन लोगों के लिए फिर से इनकी दुकानें मकानें और होटल बनाने के लिए इनको जो है आर्थिक मदद देगा। तो ऐसा जो है दोस्तों, उस समय यहाँ की गवर्नमेंटों ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया और ऐसा कहकर जो है यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो यात्रा को संचालित करते रहे। लेकिन दर साल ये जो है बातें चलती रही और इसके लिए जो है यहाँ प्रशासन को लोग कोसते रहे, लेकिन वो समय जो है पूरा होता रहा और आज वो नौबत आ गई कि यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने पूर्णतः केदारनाथ यात्रा को ठप कर दिया गया है। किसी भी तरह के रुकने, रहने, खाने की व्यवस्था केदारनाथ में आपको नहीं मिलने वाली आने वाले 2 दिन तक। अगर फिलहाल आप प्लान कर रहे हैं 16 और 17 सितंबर को केदारनाथ आने के लिए, तो ये स्पेशल आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। 2 दिन आप यात्रा में न आए, और अगर यात्रा में आ रहे हैं तो आप सेम डे ही दर्शन करके आपको नीचे आना होगा, क्योंकि मंदिर खुला रहेगा, मंदिर दर्शनों के लिए जो है यात्री जा पाएंगे। लेकिन रुकने, रहने, खाने की कोई भी किसी भी तरह की दुकान आपको यहाँ नहीं खुली मिलेगी, जिसकी वजह से आपको जो है काफ़ी दिक्कतें यहाँ धाम में हो सकती हैं। इसलिए अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं 2 दिनों तक, या तो आप यात्रा को जो है टाल सकते हैं, और यात्रा में अगर आ गए हैं तो आप इस तरीके से जो है दर्शनों के लिए जा सकते हैं। आप नीचे गौरीकुंड से दर्शन करके आपको सेम डे नीचे गौरीकुंड ही जाना होगा। गौरीकुंड से नीचे जो है आपको होटल और ये सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। नीचे वाले जो गांव हैं उन्होंने ऐसा कोई भी जो है आंदोलन के वो हिस्सेदार नहीं है, जिसकी वजह से इस आंदोलन का नीचे कोई भी असर नहीं है। लेकिन केदारनाथ में पूर्णतः आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी स्थिति इस समय बन चुकी है। यात्री खासे परेशान हैं, यात्रियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वृद्ध यात्री, जो बूढ़े यात्री, बच्चे इस समय शाम केदारनाथ में पहुंचे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है आज यहाँ रात बिताने के लिए। तो ये मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा, इस आंदोलन का इतना बड़ा असर जो है हो सकता है कि यहाँ कल सुबह तक काफ़ी जो यात्री बीमार पड़ सकते हैं। अगर उनको रात को बाहर बितानी पड़ी, अगर उनको कुछ खाने पीने का यहाँ नहीं मिला, तो बहुत सारे यात्री यहाँ जो है अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, ऐसे हालात बन सकते हैं। तो प्रशासन को मैं इस चीज़ के लिए आग्रह करना चाहूँगा, जल्द से जल्द स्थिति को संभालें और कोई ना कोई ऐसा हल निकालें ताकि ये यात्री और यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं और आमजन हैं, उनको किसी भी तरह की कठिनाई ना देखनी पड़े। अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत बड़ा असर इस यात्रा पर हो सकता है, जो कि
के विश्व विख्यात इस यात्रा को हम बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और इतना आदर्श ये तीर्थ बनने जा रहा है भविष्य में, तो उसकी छवि पर ये इस तरह की बातें अगर लगेंगी तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो प्रयास है, जिस प्रयास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी जो है हमारा संघर्ष हो सकता है उस प्रयास में, अगर हम सब इन सारी चीज़ों से हटके अच्छी तरीके से अच्छे विचारों से इस धाम को डेवलप करने की सोचेंगे तो ये भविष्य में हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक आस्था का केंद्र है। तो हर लोग, हर दुनिया से हर हमारा हिंदू भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच सकता है, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। कृपया हर कोई इस डिज़ाइन में अपना सहयोग दे ताकि इसको भविष्य में एक अच्छा धाम, एक सुविधा से युक्त, एक हिमालय की उच्च चोटी पे शिखर पे जो बसा बाबा केदार का धाम है, उसको हम ये सारी सुविधा दे पाए। तो इसके लिए सबने प्रयास करना है और फिलहाल 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तीर्थ पुरोहितों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया है और ये कब तक चलेगा इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिलहाल 2 दिन का अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया गया है। अगर 2 दिन में उनको लिखित में कोई ऐसी प्रमाणित चीज़ें मिलेंगी कि दोबारा से जो है उनको यहाँ अधिकार दिए जाएंगे तो ही वो इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अब वो बातों से नहीं मानने वाले हैं, अगर उनको लिखित में यहाँ का स्वामी अधिकार दिया जाएगा तो ही वो यहाँ से ये आंदोलन ख़त्म करने वाले हैं, नहीं तो 18 से जो है वो निश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर जो है कोई भी व्यवस्था यहाँ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। पूरे केदारनाथ सिस्टम को ठप करने का जो है प्रयास इस समय चल रहा है। अब कैसे क्या हो रहा है ये जो है सब बाबा भोलेनाथ जाने या हमारा प्रशासन जाने, तो इसके लिए आप लोग जरूर अवगत रहें और ऐसे इन 2 दिनों में आने के लिए आप विशेष प्लानिंग से आएं। अगर व्यवस्था आप जो है सेम डे दर्शन करके वापस नीचे जा सकते हैं तो ही दर्शनों के लिए आइएगा, अन्यथा काफ़ी बड़ी दिक्कत आपको इस यात्रा में इन 2 दिनों में हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक शर्मसार कर देने वाला मैं कहूँ हमारे जो आस्थाओं के इस मंदिरों में इस तरह के जो आंदोलन है, ये बहुत ही जो है गलत दिशा में हम लोगों को लेके जा रहे हैं। हम अपने किसी भी चीज़ के लिए जो है भगवान तक को हम अगर ऐसा जो है इस धाम को हम सोचेंगे और इसको इस तरीके से हम यहाँ इस तरह के आंदोलन चलाएंगे तो क्या हम लोगों पर जो है इसकी आस्था पर क्या इस पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब कमेंट में आप जरूर लिख के बताइएगा। और यहाँ जो भी चल रहा है उसके लिए जो है शीघ्र से शीघ्र हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि इन जो समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और यहाँ जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका मानना है कि जो यहाँ दुकानें टूटी थी, जो यहाँ घर टूटे थे, तो वो गवर्नमेंट बना रही है, कुछ कुछ बन चुके हैं और कुछ कुछ यहाँ के लोकल लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको यहाँ का अधिकार नहीं है, इनको यहाँ घर बनाने का या इनका स्वामी अधिकार जो है इनके पास नहीं है, क्योंकि 2013 से पहले जिनके भी मकान थे उनके यहाँ जो है प्रमाणित ये मालिक होते थे, लेकिन आपदा जैसे ही आई सब टूट गया, दोबारा जो है यहाँ जिसने बनाया तो उसको वो अधिकार नहीं मिल पाया। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। तो इस मामले में पूर्णतः जो है शीघ्र से शीघ्र प्रशासन का अलर्ट हो जाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हमारे इस यात्रा में पड़ सकता है। लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है, हजारों लोग इस यात्रा में प्रतिदिन आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये जो है बुरी खबर है। तो ऐसे यात्री अभी यात्रा में आना चाहते हैं तो वो यात्रा प्लान न कीजिए और आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको लगातार केदारनाथ बाबा से संबंधित वीडियोज़ मिलती रहती हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना और अपने फीडबैक को कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलूंगा ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ में नवीन कुमार। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।